हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाने वाले हैं आलू के कच्चा आलू। जो लोग घर में आमतौर पे बनाते हैं, लेकिन इस रेसिपी में थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। पहले तो हम आलू को थोड़ा सा बड़ा मोटा काट लेंगे। ये बॉयल किए हुए 4 आलू के पीस है, इनको हमने काट लिया थोड़ा सा अच्छे से। थोड़ा बड़ा काटिए, थोड़ा सा मोटा ही काटना है इसको, थोड़ा महीन नहीं काटना है, क्योंकि महीन काटने से ये आलू फूट जाते हैं। ये देखिए, ये आलू हमने इसको तैयार कर लिया। और उसमें पड़ने वाले जो मसाले हैं, उसमें है ये सूखी हुई धनिया और मिर्च, हरी लाल मिर्च और ज़ीरा, और ये इसका पिसा हुआ पेस्ट है। देखिए इसको कैसे फ्राई करते हैं। इसको फ्राई करने के लिए तेल में मैंने फ्राई पैन डाल रखा है फ्राई पैन में, कढ़ाई में अपनी, और थोड़ा सा ये हो गया है तेल। तेल जब थोड़ा पक जाए उसके बाद इसमें थोड़ा ज़ीरा डाल दीजिए। ज़ीरे के साथ में आप ये आलू डाल दीजिए। ये आलू डाल दीजिए और ये आलू को हल्का सा फ्राई कर दीजिए। ये आलू को आप हल्का सा फ्राई कर लीजिए। जब आपके आलू फ्राई हो जाए उसके बाद उसमें मसाले डाल दिए। बहुत उसको लाल नहीं करना है, लेकिन हल्का सा फ्राई कर ज़रूर कर दीजिए। और इसमें ये सूखा मसाला जो तैयार किया वो मसाला है, इसको डाल दीजिए। इस मसाले में आप नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे यहाँ नींबू थोड़ा लोगों को कम टेस्ट लगता है, तो नींबू नहीं डाल रहे हैं। ये देखिए, इसमें आधे चम्मच नमक पड़ जाएगा, आधे चम्मच के अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हैं। वैसे टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये कचालू ज़्यादा ही टेस्ट लगते हैं खाने में, ये इसमें सूखापन नहीं होता।